नाजरीन, पीटीआई के वर्कर जो है यहाँ पर लोटे लेकर भी पहुंचे हैं, लोटों को क्या पैगाम देंगे, ये लोटों का क्या हाल कर दिया आपने? इनका हाल ये होगा कि आने वाली हुकूमत इन्हें साफ साफ देखेगी कि इनके साथ क्या होगा। ये घर की मुर्गी दाल बराबर है और इनकी इज्जत कहीं कभी नहीं होगी। और ये लोटे अपने हल्के से 500 वोट लेके दिखा लेना तो मैं आप अपने बाप का समझूंगा तुमको। 500 वोट दे सका तुम लोटे हो, तुम गद्दार हो अलीम खान, तुम गद्दार हो। आपने अलीम खान को वोट, हमने अलीम खान को वोट दिया था और हम आज अलीम खान को लेके आए। वो देखो ये आपने अलीम खान का हाल किया है, इंशाल्लाह अलीम खान का यही हाल करेंगे। हम गद्दार हो, दुश्मन मंजूर है हमें, गद्दार मंजूर नहीं है। चोर मंजूर है, गद्दार मंजूर है। गद्दार लोटे हैं, लोटे गद्दार की जो सजा है वो सजा है मौत है। ये कौन के गद्दार है, हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इमरान खान के नाम क्या आपका पैगाम है? इमरान खान के लिए ये जो आवाम निकल आई है ये क्या पैगाम जाएगा? देखे हम इमरान खान के लिए, हमारा मेरी 100 जान भी हो तो इमरान खान के लिए कुर्बान है। और मेरा पैगाम ये है कि आवाम आपके साथ है, इंशाल्लाह 2-3 सीटों से आप जीतेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही होंगे। आप क्या समझते हैं इमरान खान के लिए जो इतनी आवाम निकल आई है? आवाम इमरान हमारा हीरो है, इमरान हमें एक कॉल देगा, जिधर कॉल देगा हम पहुंचेंगे, क्योंकि हम इमरान के साथ, इमरान के साथ बहुत इश्क करते हैं। इमरान मदीना रियासत की बात करता है, जो मदीना रियासत की बात करेगा हम उसको दोबारा वजीर आजम लाएंगे। ये इन्होंने जो सारे चोरों ने, 16 जमातों ने मिलके इमरान खान को उतार दिया है और अब ये हुकूमत पर आ गए, ये हुकूमत कितने दिन चलेगी? ये हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंशाल्लाह हम उसको दोबारा लेके आएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को क्या पैगाम दोगे? हम इमरान खान को ये पैगाम देंगे कि हमारी जब तक सांस है हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। क्या आए आए बात करें, आ जाए आ जाए आ जाए। ये इन्होंने भाई ने एक मिनट आ जाए आगे आ जाए। ये इन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया था। क्या इमरान खान की मोहब्बत में इतने दीवाने? इमरान खान का चलते जहाँ भी होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ भी हो हम उधर पहुँचेंगे। इमरान खान के नहीं मंजूर, इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बस वो इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो एक सच्चा इंसान है, वो सच्चा इंसान है। महंगाई मंजूर है लेकिन ये गंजे मंजूर नहीं है। इमरान खान को सपोर्ट करने की क्या वजह है? वो सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, झूठा नहीं है, करप्शन नहीं की उसने। ये चोर है, नून लीग वाले चोर है, हम इनको सपोर्ट नहीं करते। ये ना मंजूर हुकूमत है, ये अमेरिका के कहने में बनी है, हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे जाएंगे इंशाल्लाह। वो नूर आलम लोटा है, सुन लो, ना इधर कर रहा है ना उधर कर रहा है, जलील होकर रहेगा। आप लाहौर में भी नूर आलम को याद कर रहे हैं, सबको पता लग गया। लोटे लोटे उनको हर जगह याद करेंगे, उन्होंने गिरफ्तारी की है इमरान खान के साथ। जिधर बोलेगा हमारा काम हम जाएंगे इंशाल्लाह। आज यहाँ कितनी आवाम आई होगी आपके? अनगिनत आवाम आई है, काउंटिंग हो ही नहीं सकती। ये सब खान के प्यार के खातर आए हैं। क्या था खान साहब का एक पैगाम था के देखो कोई रह तो नहीं गया जो मेरे मुखालिफ हो? खान साहब आज आप हम तो कह रहे हैं लाहौर में कोई रहा नहीं जो आपके लिए निकला ना हो। इन नोटों को इंशाल्लाह इसको नबूद कर देंगे। अलीम खान क्या, नूर आलम क्या, रमेश कुमार क्या, आसद खोकर क्या, इंशाल्लाह ये समझो में मुंह काला करके निकलेंगे इंशाल्लाह। ये अपने हल्कों में करके, ये अपने हल्कों में मुंह की कर देंगे। 2023 का इलेक्शन खान साहब ये आपका नाम है, ये क्लीन स्वीप है इंशाल्लाह। और एक पैगाम ये जो हुकूमत में वजीर आजम बना उसको भी देंगे इंशाल्लाह। मैं एक मैसेज आपको देता हूँ, माशाल्लाह 36 लोगों की कैबिना बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। 27 चोर निकले, 27 के ऊपर वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान में अगर गरीब बंदा उसको कर दे तो वो सजा ही मौत है उसको। माशाल्लाह उनको कैबिना दे दी वजीर आला साहब। माशाल्लाह सुबह उठे माशाल्लाह 6 बजे गाना सुन रहे फजर के टाइम। माशाल्लाह वजीर आजम साहब गाने ना सुने,
अब जाके इबादत करें, आपके आखिरी दिन स्टार्ट हो गए, आखिरी रमजान भी स्टार्ट हो गया। मरियम नवाज ने भी यहाँ जलसा किया था और एक आज खान साहब का जलसा है, तो मरियम का यहाँ पर क्या था? मरियम आंटी आपके लिए एक मैसेज है, आओ अपने मीडिया टट्टू लोगों, मीडिया के जो मीडिया के टट्टू है उनसे ना पूछे कि कितनी अवाम है, खुद निकलो आके चेक करो कि अवाम कितनी है। ये अवाम नहीं है, ये समुंदर है। सलीम साफी और अहमद मीर के लिए क्या पहना? माशाल्लाह उसने कहा था खान साहब कि मेरी माँ है, आपके पास क्या है? खान साहब के पास पूरे पाकिस्तान की माँ है, पूरी दुनिया से उनकी माँ के लिए माए दुआएं कर रही है। सलीम साफी हमारे पास लफाफे नहीं है जो आपको दे के अपना दौड़ बताए लाने साहब पे। आप क्या पैगाम दे रहे हो? बिस्मिल्लाह, मैं खान साहब से सिर्फ इतनी अपील करता हूँ, खान साहब साहब हम आपके हुक्म के ताबेदार बैठे हुए हैं, आप एक बड़ी इंकलाब का नारा बुलंद कीजिए, इंशाल्लाह हम इनके घरों में भर के इनको निकालेंगे। और खान साहब हम आपको हुकूमत दिलवाएंगे नहीं, हम आपको हुकूमत छीन के लेके देंगे, और एक बड़ी पूरी दुनिया को पता चलेगा कि लीडर ईमानदार कौन है और कौन गद्दार है और कौन इस मुल्क के साथ गद्दारी करके गया है। ये वो डड्डू है, ये वो गद्दार है जो पाकिस्तान में एक 18 अरब की करप्शन और एक 7 अरब की करप्शन करके बाहर बैठे हुए हैं। इनके लंदन में फ्लैट्स हैं और ये इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। इंकलाब तो ये अवाम जितनी आ गई है, इंकलाब तो आ गया, इसी का तो खान साहब कहते हैं। इंकलाब ये इस इंकलाब की बात नहीं कर रहा, मैं उस इंकलाब की बात कर रहा हूँ जब खान साहब ने नारा लगाना है इंकलाब, हम इनके घरों में भी घुस जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब को हुकूमत छीन के लेके जाएंगे। अदालतों को जैसे श्रीलंका की आवाम ने अदालतों से उन गद्दार उन बेवकूफ जजों को निकाल के मुंह काला किया, इंशाल्लाह खान साहब की कॉल का इंतजार है, इनका भी मुंह काला करेंगे। इमरान खान जो है वो खिताब कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है कारकुन बहुत पुरजोश है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इमरान खान अभी कॉल दे दे हमको, हम इन तंजरों को घर से निकाल के मारेंगे और इमरान खान को दोबारा वजीर आजम लेके आएंगे और इंशाल्लाह बिठाएंगे इनकी जगह पे और इनको दोबारा जेलों में लेके जाएंगे, और जो ये हमारे बिगड़े हैं ना हुक्मरान, ये सबको किसी के रोड पे लेके आएंगे। आप समझते हैं अमरीका की साजिश हुई और उसने निकाला इमरान खान? ये सब अमरीका का टट्टू है, ये टट्टू है बहन चोद, इनको हम घर से लेके आएंगे और ये अमरीका जो उनसे कर रहा है सब कुछ ठीक है, अमरीका को भी जाएंगे जब पाकिस्तानी वाम कितनी जज्बात में है। वो कहते हैं हम भिखारी हैं शहबाज शरीफ साहब के, ये खुद भिखारी है बहन चोद, ये सारे के सारे भिखारी है, हम खुददार कौम है, हम ना झुके ना झुकने देंगे। तो इमरान खान कहते हैं हम भूखे रह लेंगे लेकर हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है, ये इनसे हम बात नहीं करेंगे, इनको घर से लेके आएंगे। अभी इमरान को कॉल दे, ये हम लाहौर के रहशी हैं, हम पैदल आए उधर से सब्जादार से, हमें अभी कॉल दे, इनको घर से निकाल के। ये लाहौर के पुराने रहने वाले? हाँ जी हम पुराने। और वो कहते हैं कि लाहौर वाले तो नून लीग के साथ है, झूठ बोलते हैं बहन चोद, झूठ बोलते हैं। मैं कहना मैं पंजाबी हूँ, लोहर तक प्रदेशी हूँ, अलग मैं सामने लो बहन चोद नहीं, मैं टेढ़ा करा ले रखना। आप पुराने लाहौर ये नजर आ क्या कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं, ये सब चोर इकट्ठे हो गए हैं और इनकी चोरी का यही सबूत है कि ये अमेरिका के टट्टू हैं। ये है भिखारी जो कहते हैं हम भिखारी है, कौन भिखारी नहीं है, ये भिखारी है क्योंकि ये चोर हैं और इन दौलत की वजह से रेमंड डेविस की प्रतिभा भी इन चोरों ने अपनी दौलत बचाने के लिए अमेरिका के आगे घुटने टेके थे, जो हमें सबूत है इन्होंने रेमंड डेविस की, जब रेमंड डेविस ने कत्ल किया लाहौर में और रातों रात इन्होंने रेमंड डेविस को निकाला सरदारी शहबाज शरीफ ने, उन्होंने एक ही धमकी इनको लगाई थी कि अगर तुमने उसका बाल भी बेका किया तो हम तुम्हारी दौलत जब्त कर लेंगे। यही तो सबूत है इन भिखारियों का कि ये गद्दार है, इन्हें अपनी दौलत की चोरी की हुई दौलत की फिक्र है, मुल्क की इज्जत की फिक्र नहीं, कौम की इज्जत की फिक्र नहीं, हम भूख काटेंगे लेकिन गद्दारी नहीं। अवाम आज आपके हिसाब से, आपने अपनी जिंदगी में माशाल्लाह आपके बाल सफेद हो गए, आपने अपनी जिंदगी में इतनी अवाम देखी है पहले कभी? बिल्कुल नहीं, ये आज का जो जलसा है ये पीटीआई के वर्करों का नहीं है, ये अवामी जलसा है, यहाँ पे लोग अपने जमीर के आवाज पे आए हुए हैं, वर्कर इतने नहीं होते, वर्कर इतने होंगे तो इन चोरों के पास होंगे जिनके पास अरबों डॉलर चोरी किए हुए हैं, ये तो बेचारा चंदा लेके चला रहा है सारा निजाम, इसको तो उसी केस में फंसा रहे हैं, वो तो अपनी तहरीक भी चंदे के साथ चला रहे हैं, पैसा दौलत इकट्ठी की इन चोरों ने, इन चोरों के पास दौलत है जो खरीदते हैं जमीन फरोशों को, अभी कितने जमीन फरोश खरीदे इन्होंने,
इन बेगैरतों ने जिन्होंने जमीन फरोख्त किया हमारे हम लोगों के वोट इन्होंने बेच दिए सरदारी के आगे नवाज शरीफ के आगे। असल में किसको आपने वोट दिया? इस असल में इन्होंने बेचे अमेरिका के आगे। हमने वोट लास्ट टाइम भी तहरीक इंसाफ को दिया था, इसी आवाज पे दिया था। आपका एमएनए या एमपीए तो लोटा नहीं हुआ? सबसे बड़ा लोटा ही हमारे एरिया के एमएनए कौन? मलक रियाज चोर। मलक रियाज चोर। नाज़रीन मजीद भी इस वक्त खान साहब चूके तकरीर कर रहे हैं, अवाम का जमे गफीर और क्राउड इस तरह का चार्ज और इतना क्राउड जो इस वक्त ये मीनारे पाकिस्तान जिस तरह भर गया है, आज़ादी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होने की जगह नहीं है और दाता साहब से शाहदरा तक मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेज है। इतनी कम अज कम मीनारे पाकिस्तान पर हालिया तारीख में किसी ने भी अवाम नहीं देखी। खान साहब की स्पीच सुनते आए मेरे साथ।